दोस्तों, चीज़ी गार्लिक ब्रेड तो आप सभी ने खाई होगी कभी ना कभी, लेकिन आज मैं आपको सुपर सॉफ्ट और चीज़ी गार्लिक नान की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसे बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। मैंने पिछले महीने कुछ 3-4 बार बना लिया अपने बच्चों के लिए, इतना ज़्यादा पसंद आया मेरे घर पर, तो मैंने ये सोचा रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया से सॉफ्ट चीज़ी गार्लिक नान बनाने के लिए सबसे पहले बोल में मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, जो कि है करीबन 250 ग्राम। इसमें मैं डाल रही हूँ बस आधा टीस्पून नमक, क्योंकि हम चीज़ गार्लिक नान बनाने वाले हैं और बटर भी लगाएंगे, तो नमक मैं पहले से थोड़ा कम डाल रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे थोड़ा। आप चाहें तो यहीं पे 1 टीस्पून पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए। सारी चीज़ें मिक्स कर ली हमने। अब मैं क्या करूँगी, इसके बीच में थोड़ी सी ऐसे जगह बना लूँगी, तो सेंटर में ऐसे स्पेस कर लीजिए इस तरह से। और फिर इसमें हम डालेंगे 1/4 कप, यानी कि 1/4 कप डाल रही हूँ दही, करीबन ये है 4 टेबलस्पून, ये कल की दही है। तो ये दही हमने सेंटर में डाल दी। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा भी। तो ये वही सोडा है जो मीठी सोडा, खाने की सोडा, भजिए की सोडा, जो भी आप कहते हैं, ये सारी सोडा एक ही होती है, खाने की सोडा। और इन दोनों चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लेंगे। दही के ऊपर डालने से क्या होगा ना, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही एक्टिव हो जाएंगे, और इन दोनों के रिएक्शन से जो हमारे नान है ना, एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। तो ये देखिए, इसमें थोड़ी थोड़ी झाग पैदा हो रही है इन दोनों के रिएक्शन से। तो बस इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, और फिर 1 मिनट के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी 1 टेबलस्पून तेल। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जैसे जितना भी आटा है ना, पूरे दही को सोख ले। ये देखिए, आटे ने पूरा दही को अच्छे से सोख लिया। जब ऐसे स्टेज में आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और आटा गूंथना स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं यहाँ पे पानी यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहें तो यहाँ पे दूध भी यूज़ कर सकते हैं इसको गूंथने के लिए, उससे आपके जो नान है ना, और भी रिच बनेंगे। तो इस आटे को गूंथते जाइए। जैसे ही आटा एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, इसे 3 से 4 मिनट के लिए और गूंथ लीजिए, और इसका हल्का मुलायम आटा हमें तैयार करना है। ये जो आटा है ना, बिल्कुल भी कड़क नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट ही होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, ये थोड़ा सा सॉफ्ट की तरफ होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कि आप हैंडल ही नहीं कर सकें, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल रोटी के आटे से थोड़ा सा मुलायम होना चाहिए इस तरह से। और फिर जब इस स्टेज में आ जाएगा, पूरा चिकना हो गया है अभी ऊपर से, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे। तो तेल को अच्छे से ऐसे कवर कर लीजिए चारों तरफ से, और फिर इसको ढक कर रख देंगे हल्के गीले कपड़े से, और इसे रेस्ट करने देंगे करीबन 2 घंटों के लिए, या 1.5 से 2 घंटे भी चलेगा। तो इससे हमारे जो नान्स हैं ना, एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो जब तक ये रेस्ट कर रहा है, चलिए हम अपनी स्टफिंग भी बना के रख लेते हैं। चीज़ी गार्लिक स्टफिंग बनाने के लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ 1/2 कप मोज़रेला चीज़। तो एक ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ आजकल मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है, अमूल की, ब्रिटानिया की, कोई भी ब्रांड की आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी प्रोसेस्ड ग्रेटेड चीज़ भी, ये भी अमूल की है। तो मैं यहाँ पर 2 चीज़ आज यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अमूल चीज़ क्यूब्स भी मिलते हैं मार्केट में, उसको ग्रेट करके डाल सकते हैं, या सिर्फ मोज़रेला चीज़ से भी आप बनाएंगे ना, तो भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन, क्योंकि हम चीज़ी गार्लिक नान बनाने जा रहे हैं। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी। तो आप चाहें तो इसी स्टेज में थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आज बच्चों के लिए बना रही हूँ चीज़ी गार्लिक नान, और मेरी छोटी बेटी को तो बस कोई बहाना चाहिए खाना छोड़ने का, अगर उसके मुंह में एक भी हरी मिर्ची आ गई तो उसको तो बहाना मिल जाएगा खाना छोड़ने का, इसलिए मैं यहाँ पे आज ग्रीन चिलीज नहीं यूज़ कर रही हूँ। पर आप चाहें तो यहाँ पे ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और एकदम मज़े की लगती है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल 1 पिंच नमक, क्योंकि चीज़ में भी थोड़ा नमक रहता है, आटे में भी हमने नमक डाला है, तो थोड़ा हिसाब से डालिएगा। तो इतना अगर आप चाहें तो बस इतनी ही चीज़ें डाल सकते हैं, इसको इतना ही सिंपल रख सकते हैं। लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई कैप्सिकम, क्योंकि मेरे पास ही पड़ी थी तो मैं यूज़ कर रही हूँ, पर ये एकदम ऑप्शनल है, बस इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रंच फ्लेवर और टेस्ट आएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे गार्लिक जो है पूरा अच्छे से फैल जाए चीज़ के साथ, और एकदम बढ़िया सा मसालेदार स्टफिंग तैयार हो जाए। आप चाहें तो इसी में रेड चिली फ्लेक्स, मिक्सड हर्ब सीजनिंग, ओरिगैनो भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बस मैंने बहुत सिंपल रखा है इसे। तो बस ये बेसिक स्टफिंग रेडी हो गई, इसको साइड में रख देते हैं और अपने आटे का फूलने का भी वेट करते हैं। तो चलिए आटा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आटा थोड़ा सा फूल गया अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से, ये थोड़ा सा सेट भी हो गया है। इसको मैंने रखा था करीबन 2 घंटों के लिए, तो इसको थोड़ा सा ऐसे पंच डाउन करेंगे, क्योंकि इस समय क्या, इसमें थोड़ी सी हवा भर गई, उसको थोड़ा सा ऐसे पंच डाउन करेंगे, और फिर से इसको थोड़ा सा मसल के
गूथ लेंगे बस करीबन 1 मिनट के लिए, जैसे ये थोड़ा सा सॉफ्ट और चिकना हो जाए। हमें बिल्कुल ऐसा ही सॉफ्ट आटा चाहिए स्टफ्ड गार्लिक नान बनाने के लिए। देखा आपने, बिल्कुल ऐसा ही आटा चाहिए हमें। अब इस आटे के छोटे छोटे हिस्से कर लेंगे, तो मैं इसको 4 हिस्सों में बांट रही हूँ क्योंकि मैंने डाला था 2 कप मैदा, तो उसमें करीबन 4 नान्स आसानी से बन जाते हैं। तो इसको डिवाइड कर लेंगे 4 हिस्सों में। तो मैं एक पोर्शन इसका ले रही हूँ और बाकी के जो लोई है ना उसको फिर से ये हल्के गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे, नहीं तो ऊपर से ना क्या सूखे सूखे हो जाएंगे। तो चलिए ये वाली लोई जो मैंने ली उसको अच्छा सा थोड़ा सा गोल कर लेंगे और फिर हल्के सूखे आटे की मदद से, या फिर मैदा भी आप यूज़ कर सकते हैं, फिर से इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। बस हल्का सा स्प्रेड कर लीजिए इतना कि उसमें स्टफिंग आ जाए। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा बेल लिया है, नॉर्मली जैसे आप पराठे बनाते हैं घर पे। अब इसके सेंटर में मैं प्लेस करूँगी ये चीज़ का मसाला, तो अच्छे से इसको सेंटर में एकदम प्लेस कर लीजिए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ इतने आटे के लिए करीबन 2 टेबलस्पून भर के चीज़ का मसाला। अच्छे से चीज़ डालेंगे तो ही तो चीज़ का फ्लेवर आएगा और गार्लिक का, तो बट उतना डालिए कि उसमें अच्छे से समा जाए। अब इसको चारों तरफ से ऐसे इकट्ठा करके इसको ऐसे इकट्ठा करते जाएंगे और फिर सेंटर में जब हम आएंगे ना तो इसको ऐसे अच्छे से सील कर लेंगे और फिर इसको अंदर की तरफ ऐसे चिपका लेंगे। तो क्योंकि हमने आटा काफ़ी सॉफ्ट गूंथा था तो ये आपस में अच्छे से चिपक जाएगा और ऐसे सेट हो जाएगा, इसी तरह से जैसे आप नॉर्मली पराठे बनाते हैं। तो ये देखिए अब इसको सेंटर में थोड़ा सा ऐसे दबा लेंगे और फिर से हल्का सूखा आटा लेके इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरफ से मैंने इसको बांधा था, मतलब वो वाला जो पोर्शन है उसको मैं ऊपर की तरफ रख रही हूँ, मतलब ये जो गोला मैंने अभी बंद किया था वो ऊपर की तरफ है और फ्लैट वाला पीछे की तरफ है, और इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको धीरे धीरे बेलते जाइए, इसको थोड़ा सा हमें मोटा ही रखना है तो इसे हल्का हल्का बेलते जाइए। बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है इस वक्त, नहीं तो आपकी जो चीज़ है ना वो निकल जाएगी। तो इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे बेलते जाइए। ये देखिए मैंने इतनी थिकनेस रखी है क्योंकि अंदर चीज़ की स्टफिंग है, इतनी थिकनेस काफ़ी है। अब इसको ऊपर की तरफ रख देंगे, मतलब जो फ्लैट वाला पार्ट है ना उसको ऊपर की तरफ पलटा लेंगे और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ हल्का सा, अपना हाथ ऐसे चला लूँगी। तो हल्का सा पानी ले लीजिए अपने हाथों में, उसको हल्का सा स्प्रेड कर लीजिए। बहुत ही थोड़ा पानी हमें चाहिए क्योंकि इसमें हम इसके ऊपर चिपकाने वाले हैं बिल्कुल थोड़े से तिल। वैसे तो ये ऑप्शनल है लेकिन इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट और क्रंच आता है नान में। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें बिल्कुल थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, आप चाहें तो यहाँ पर कलौंजी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे चिपका लीजिए, चाहिए तो एक बार बेलन एक ही बार ऐसे ऊपर से चला लीजिए ताकि वो उसमें चिपक जाए। और फिर से इसको हम पलटा लेंगे पीछे की तरफ जहाँ पे हमने बेला था, और यहाँ पे हम लगा लेंगे अच्छे से पानी। तो इसके ऊपर पानी अच्छे से लगा लीजिए ताकि वो तवे में चिपक सके। तो यहाँ पे पानी बिल्कुल अच्छे से लगाइएगा वरना आपके नान ना वो निकल सकते हैं तवे में से। तो यहाँ पे गैस पे मैंने पहले से तवा गरम करने लिए रखा है, इसे मैंने गरम कर लिया है हाई फ्लेम पर। जैसे ही अच्छे से गरम हो जाएगा गैस का फ्लेम हम मीडियम रख देंगे और इसे एकदम गर्मा गर्म तवे के ऊपर ये फटाक से ये डाल देंगे नान जो अभी हमने बेला था। ये देखिए ये तुरंत ही इसमें चिपक गया है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे करीबन 1 मिनट के लिए। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपका जो तवा है ना वो नॉर्मल तवा ही होना चाहिए, मतलब मैं जो ये यूज़ कर रही हूँ ऐसे एनोडाइज तवा या फिर लोहे का तवा रहेगा तो और भी अच्छा, वैसा तवा होना चाहिए। नॉनस्टिक तवा आपको यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, वरना जैसे ही आप इसको फ्लिप करेंगे ना, मतलब पलटाएंगे, तो आपका जो नान है ना वो पलट के गैस के ऊपर गिर जाएगा, क्योंकि वैसे भी नान थोड़े से हैवी होते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये देखिए थोड़ा सा पक कर ये फूलने लगा है, ये देखिए मैंने इसको 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखा है। अब ये थोड़ा थोड़ा सा फ्लफ़ी हो रहा है, ऊपर ऊपर से थोड़े से बबल्स आ रहे हैं। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, इस तवे को अपने हाथ से उठा लेंगे और इसको पलटा देंगे उल्टा, और फिर इसको गैस की तरफ मीडियम हाई गैस की तरफ पलटा के इसे पकाते जाएंगे। इसे घुमाते घुमाते आप ऐसे पकाते जाइए चारों तरफ से, जैसे कि एकदम इवन गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो बीच बीच में आप इसे चेक भी कर सकते हैं, पलट के ऊपर देख सकते हैं कितना पका है, और गैस का फ्लेम मीडियम हाई जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ऊपर करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है चारों तरफ, एकदम बढ़िया सा तंदूरी कलर आ गया, जैसे कि नॉर्मली तंदूर में बनाया जाता है, भट्टी में बनाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आपको आएगा इसमें तंदूरी गार्लिक नान जैसा। तो मैं आपको पहले खुरपी से इसको निकालती हूँ और आप आपको चिमटे से इसको हटा के भी दिखाती हूँ। इसका पीछे का जो भी पोर्शन है ना वो भी एकदम अच्छी तरह से पक गया है नान के जैसा, बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं है और बिल्कुल जला भी नहीं है। तो इसे निकाल देंगे प्लेट पर और इस गर्मा गर्म चीज़ी गार्लिक नान के ऊपर लगाते हैं कि मक्खन, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, बट क्योंकि चीज़ी गार्लिक नान है तो मक्खन लगाना इतना तो बनता है। वाओ, देख के मज़ा आ गया। तो इसी तरह से बाकी के नान्स बना लेंगे।
तो मैंने दूसरा नान भी बना लिया है, रेडी कर लिया है। इसको अब हम नॉर्मली तवे पे बनाएंगे, मतलब रेगुलर तवे पे। सपोजिंग आपको ये वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है तो नॉर्मल तवा, ये मेरा लोहे का तवा है जो मैं नॉर्मली घर पे यूज़ करती हूँ, इसकी मैं प्लेस कर दूँगी ये वाला पराठा, मतलब चीज़ी गार्लिक नान, और इसको पकाएंगे नॉर्मली जैसे हम घर पे पराठे पकाते हैं। तो एक तरफ से पक गया 1 मिनट के लिए, इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरफ से भी करीबन 1 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो जब तक उस तरफ से पक रहा है मैं इस तरफ थोड़ा सा मक्खन लगा लूँगी और फिर से इसे पलटा लूँगी। तो इसी तरह से आप पलट पलट कर मक्खन लगाते हुए, घी, ऑयल जो आपको पसंद हो लगाते हुए पकाते जाइए, बिल्कुल पराठे जैसे। देखिए कितना अच्छी तरीके से फूल रहा है, एकदम फ्लफ़ी हो रहा है, और अंदर की इसी तरह से मुझे पता चल रहा है कि अंदर की जो चीज़ है ना इसी तरह से एकदम अच्छे से मेल्ट हो रही है। वाह, ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है और काफ़ी फ्लफ़ी भी हो गया है। इसी तरह से पलट पलट के सारे नान्स पका लीजिए। तो ये मेरा ये वाला नान भी रेडी हो गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे सारे नान्स रेडी हो गए हैं। ये दो नान्स वो है जो कि मैंने तवे पे पकाए थे, तंदूरी मार्क्स देने के लिए मैंने इसको गैस के ऊपर पलट के पकाया था, और ये दो वो नान्स है जो मैंने डायरेक्टली तवे पे पकाया उलट पलट के पराठे जैसा। तो ये दोनों नान तैयार हो गए हैं, मैं आपको क्रश करके भी दिखाती हूँ। ये तंदूर वाला नान ये एकदम ही सॉफ्ट है, ये देखिए क्रश कर रही हूँ तो एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ऊपर से नीचे से। और अब मैं आपको ये वाला नान भी दिखाती हूँ जो कि मैंने पूरा तवे पे पकाया है, ये भी एकदम सॉफ्ट और मुलायम है। तो आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। वाओ, ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से चीज़ की स्टफिंग बाहर आ गई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था ना, थोड़ा सा सेट हो गया इसलिए थोड़ा सा इतना ज़्यादा चीज़ ही नहीं लग रहा है। मैं आपको अंदर से खोल के दिखाती हूँ अपने हाथों से। ये देखिए अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ी है, बिल्कुल हल्के फुल्के मसालों के साथ लग रहा है ना, एकदम मज़ेदार चीज़ी गार्लिक नान। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगी। और अगर आपको और ऐसी रेसिपीज़ देखनी है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले और एक रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।